चलिए तो अब हम लोग चल रहे हैं 29 नंबर क्वेश्चन में। 29 हम लोग को कह रहा है, 29 का ए में कह रहा है, 29 का ए में ग्लूकोज डज नॉट गिव ट्रू फॉर डीएनपी। देखो तीन क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है, वन वन मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको उस हिसाब से ही आंसर भी लिखना है, ठीक है। तो पहला कह रहा है ग्लूकोज डज नॉट गिव ट्रू फॉर डीएनपी टेस्ट ड्यू टू एबसेंस ऑफ एल्डिहाइडी ग्रुप, है ना। उसके बाद द टू स्ट्रैंड्स इन डीएनए आर नॉट आइडेंटिकल बट आर कॉम्प्लीमेंट्री। आइडेंटिकल तो नहीं होता है, एक का 3-5' पोजीशन होता है, दूसरे का 5-3' पोजीशन होता है, आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडेनिन टू थाइमिन एंड गुआनिन टू साइटोसिन। ओके, थर्ड में कह रहा है स्टार्च एंड सेल्यूलोज बोथ कंटेन ग्लूकोज, दोनों में ग्लूकोज होता है यूनिट एज मोनोमर येट दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। क्यों डिफरेंट होता है? स्टार्च इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, याद है, एक में स्ट्रेट चैन रहता था, एक में स्ट्रेट के साथ एक ब्रांच भी रहता था, तो हम लोग बोलते हैं ब्रांच चैन पॉलीमर है। इसमें C1C4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज रहता था, और एमाइलोपेक्टिन में C1C4 के साथ C1C6 भी रहता था, याद आ रहा है। तो उतना भी हम लोग को डिटेल में तो जाना नहीं है, वन मार्क्स क्वेश्चन लिखना है, तो सीधे लिखेंगे क्या, ग्लूकोज सॉरी स्टार्च एंड सेल्यूलोज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट ड्यू टू द फैक्ट दैट स्टार्च कंटेन्स C1C4 एंड C1C6 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, व्हाइल सेल्यूलोज कंटेन्स बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। वन मार्क्स का क्वेश्चन है बाबू, तो उसी हिसाब से लिखना भी है। चलिए 30 में कह रहा है सल्फ्यूरस एसिड इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि सल्फ्यूरिक एसिड रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि केवल रिड्यूसिंग एजेंट है। सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, यहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, ये +2 है, ये -6 है, तो ओवरऑल -4, तो इसका आ जाएगा +4। अब +4 रिएक्शन में आगे भी बढ़ सकता है, +6 भी जा सकता है, पीछे भी आ सकता है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा। फिलहाल हम लोग को क्वेश्चन में जो दे रहा उसी को पकड़ के चलना है, हम लोग सल्फ्यूरस एसिड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो क्या लिखेंगे, इन अ केमिकल रिएक्शन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इंक्रीजेस फ्रॉम +4 टू +6, दैट मींस ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फ्यूरस एसिड अकर्स एंड हेंस सल्फ्यूरस एसिड इज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। एक लाइन लिखना है, वन मार्क्स का क्वेश्चन है। फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड, ये हैलोजन डिपार्ट का सबसे फेमस क्वेश्चन है, ये भी एक है, क्यों होता है? ड्यू टू हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड स्मॉलर साइज फ्लोरीन आर फ्लोरीन इज नॉट एबल टू एक्ट एज ए सेंट्रल एटम एंड हेंस इट फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड HOF। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेस इंक्रीजेस फ्रॉम हीलियम टू रेडॉन। हीलियम से जब रेडॉन तक जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों करता है? ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज द वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीजेस, है ना। उसके बाद कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग, इसका और में है, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। देखो ये क्लोरीन से रिएक्शन पूछ दिया है, और का एम है ना, MnO2 प्लस HCl, अच्छा बैलेंस भी कर दिया, बहुत बढ़िया। क्या बनता था? MnCl2 प्लस Cl2 अब प्लस H2O, ठीक है, बैलेंस कर लेना इसको। उसके बाद कह रहा है बी नंबर में XeF6, ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, दोनों इसका KF, इसमें K प्लस XeF7, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन, है ना, ये आपको शायद एनसीईआरटी में डायरेक्ट ना मिले, ये भी O2, इसमें क्या बन जाएगा, I माइनस है, H प्लस है और O2 है, इसमें बनेगा I2 प्लस एक कॉम्प्लेक्स बनता है K, ध्यान देना K, इसमें जो कॉम्प्लेक्स बनेगा K I I2 I I2,
और प्लस ओ एच माइनस। कॉमेंट बॉक्स में इसका नाम बताइएगा, क्या नाम है इसका। ये सी हो गया। चलो